स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 करना था हमको। तो उस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें टेबल पढ़ेंगे। पहले टेबल लर्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टेबल के बेस्ड से ही एक्सरसाइज 8.2 होगी। तो पहले टेबल को देखते हैं। हमने 8.1 में वैल्यू पढ़ी थी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा की। अब यहाँ पे हम इसके एंगल्स की वैल्यू पढ़ेंगे। जैसे कि साइन 0 डिग्री क्या होता है, यहाँ पे ए क्या है, एंगल। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की 1/2 होती है, साइन 45 की 1/√2 होती है, साइन 60 की 3/2 होती है, साइन 90 की 1 होती है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा पहले। स्टार्टिंग के 3 लर्न कर लेंगे, तो उसके बाद बाकी के 3 अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि जस्ट उसके उल्टे होते हैं। अब जैसे साइन 0 0 है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो 0 को 1/0 करेंगे, नॉट डिफाइंड रह जाएगा। 1 का उल्टा 1 ही रहेगा और 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइंड होता है और 1/0 के इक्वल होता है। जैसे ये है, 1/0 की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड, और 1/0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जैसे साइन 30 1/2 है, तो कोसेक 30 क्या हो जाएगा, 2/1 यानी 2 आ जाएगा। कॉस 30 √3/2 है, तो sec 2/√3 हो जाएगा। tan 1/√3 होता है, तो cot √3 हो जाएगा। सेम 45 में 1/√2 होता है, तो √2 हो जाएगा। इसका उल्टा √2 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, 1/1। √3/2 का 2/√3, 1/2 का 2/1, और ये सारे रेसिप्रोकल हो जाते हैं। इसी तरह ये भी है, 1 का 1, 0 का उल्टा क्या होता है, नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का 0 भी बताया मैंने आपको। तो ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग के 3 आपको लर्न करने पड़ेंगे। लर्न करने के लिए इजी मेथड है कि ये सीक्वेंस में हमें लर्न करना पड़ेगा। पहले मैंने आपको बताया था कि आपको ये लर्न करना पड़ेगा पहले कि साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट, इसी सीक्वेंस में होती है वैल्यू, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट। तो सबसे पहले 0 का लर्न करेंगे, 0 1 0, फिर 90 का लर्न करेंगे, यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से 1 से स्टार्ट होता है, 1 0 नॉट डिफाइंड। फिर 45 का लर्न करेंगे, 1/√2 1/√2 1, फिर 30 का 1/√2, इसका थर्ड साइन, इसका कॉस, ये दोनों एक दूसरे के क्रॉस में आते हैं, 30 और 60, 1/2 1/2, इसका साइन √3/2, इसका कॉस √3/2, और यहाँ 1/√3, तो यहाँ √3। किसी ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। तो ये लर्न होने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे 8.2। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और उसको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू रख के हमें सिर्फ सॉल्व करना है। तो साइन 60 कितना होता है, √3/2, कॉस 30 कितना होता है, √3/2, साइन 30 कितना होता है, 1/2, कॉस 60 कितना होता है, 1/2, √3 √3 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम ले लेंगे, 4 3+1 कितना आ गया, 4/4, सॉल्व करेंगे कितना आ गया, 1। सेकेंड क्वेश्चन है, 2 tan² 45° प्लस cos² 30° माइनस sin² 60° तो 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 2 × 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का स्क्वायर। तो जगह 2 प्लस, ये तो प्लस का है माइनस का है, सीधे फिर कैंसिल हो गए, 2 + 0 यानी कि आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है cos 45, ये है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे,
कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 अपॉन sec 30, sec 30 की वैल्यू होती 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है साइन का उल्टा, साइन 30 होता है 1/2, cosec 30 होता है 2, ये हो जाएगा 1/√2 अपॉन √3 एलसीएम ले लेंगे, 2 + 2√3 आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद 1/√2 यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा √3 अपॉन √3। अब पहले को एज इट इज रखेंगे, दूसरे को रेसिप्रोकल कर देंगे, ये आ जाएगा। अभी कुछ कैंसिल तो होंगे नहीं है, यहाँ पे √3 बन जाए, √3 आएगा, √3 आ जाएगा अपॉन 2√2 ब्रैकेट में 1 + √3, ये आ गया। लेकिन डिनोमिनेटर में कभी रूट वाले नंबर नहीं रखते हैं, इसलिए हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। किससे करेंगे, पहले तो √2 से करेंगे, √2 आ रहा है तो √2/√2 आ जाएगा। अब इससे भी करेंगे तो कभी भी 1 + √3 इस टाइप का आता है तो उसको क्या करते हैं, अपोजिट साइन से रेशनलाइजेशन करते हैं, ये हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, √2/√3 कितना होगा, √6, यहाँ क्या जाएगा 1/√3 आ जाएगा। अब यहाँ पे √2/√2 हो गया, 2 × 2 = 4 आ गया, और यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो a + b - b यानी कि a² - b² होता है, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, यहाँ से कितना आ जाएगा √6 की मल्टीप्लाई से कर देते हैं तो √6 आ जाएगा, -√3 से कर देंगे √18 आ जाएगा अपॉन 4 × -2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √6 - √18 को क्या लिखते हैं, 9 × 2 = 18 होता है, 9 × 2 = 18, 9 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, ये रूट के बाहर आ जाएगा, 3 बन जाएगा अंदर √2, तो 3√2 आ गया अपॉन -8। अब क्या करेंगे इसके बाद, इसके आगे का स्टेप है, अब नीचे का माइनस ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ऐसे लिखेंगे पहले हम, फिर इसका क्या करते हैं साइन चेंज कर देंगे, तो ये प्लस का ये माइनस का, यानी 3√2 - √6/8, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट इसका, sin 30° + tan 45°, ये लिख लिया हमने वैल्यूज को, वैल्यू पुट कर देंगे, sin 30 1/2, tan 45 1, -cosec 60, cosec 60 किसका उल्टा होता है sin 60 का, sin 60 होता है √3/2, तो जाएगा 2/√3, sec 30 यानी cos 30 कितना होता है √3/2, तो जाएगा 2/√3, cos 60 1/2, cot 45 tan 45 का उल्टा, tan 45 कितना 1, तो cot 45 कितना हो जाएगा 1, एलसीएम ले लेंगे 2 1√3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा, 2 फिर डिवाइड करेंगे √3 बजेगा, √3 बन जाए √3 प्लस 1 से करेंगे √3 से करेंगे √3 कैंसिल, 2 × 2 = 4, √3 2 √3 आ जाएगा, √3 कैंसिल, 2 × 2 = 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल √3 प्लस 2√3, √3 कितना होगा 3√3 -4 अपॉन 2√3 अपॉन 4 प्लस 2√3 √3 √3 अपॉन 2√3, तो यहाँ पे हमने
पहले को एज इट इज रखा, 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, ये न्यू पर पहुंच जाएगा 2√3 अपॉन 4+√3 को हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, आगे पीछे कर सकते हैं, 3√3+4 कर दिया, इसी कैसा बन जाएगा, थोड़ा एक जैसा बन जाएगा, ये आगे कैंसिल हो गया, 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3+4 ये आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, वही प्रोसीजर पहले वाला, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो 3√3 अपोजिट साइन से करते हैं रेशनलाइजेशन, माइनस 4 3√3 माइनस 4 से कर दिया हमने, एक जैसे बन गया, तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया यहाँ पे, अब ए प्लस बी माइनस बी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, नीचे तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 3√3 का स्क्वायर कितना होता है, 3√3 दो टू टाइम लिख दिया, 3√3 × 3√3, 3 की 3 से किया 9, √3 की √3 से किया 3, यानी कि 27 आ गया, डिनोमिनेटर में 27 आ गया, माइनस 4 का स्क्वायर 16 आ गया। अब यहाँ पे भी करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 × a 3√3 × b, 3√3 का स्क्वायर भी हमने किया 27, प्लस 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4, 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24, √3 अपॉन यहाँ से कितना आ जाएगा 11, ऐड कर देंगे 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11 ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ये नेक्स्ट पार्ट है, 5 cos² 6 + नोट कर लेते हैं पहले फिफ्थ पार्ट को, ये फिफ्थ क्वेश्चन नोट कर लिया हमने। अब वैल्यू पुट करते हैं, 5 cos 60 की वैल्यू 1/2, लेकिन स्क्वायर लगा है तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 sec 30, sec 30 का उल्टा, sec किसका उल्टा होता है, cos का, तो cos 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, √3/2 होती है, तो 2/√3 हो जाएगी, 2/√3 इसका स्क्वायर भी कर देंगे, 10 45 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर बन ही जाएगा, अपॉन sin 30 कितना था, 1/2 स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 कितना होता है, √3/2, √3/2 का भी स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से कितना जाएगा, 5 बन जाए, 5 अपॉन 4 आ गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 × 4 अपॉन √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5/4 माइनस 4 × 4 = 16/3 माइनस 1/1, यहाँ से इतना जाएगा, 4/3 + 1/4 ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 + 1 = 4, 4/4, 4 से 4 का आंसर 1 आ जाएगा। अब ऊपर वाले में एलसीएम ले लेंगे बस, तो एलसीएम यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 4 × 3 = 12, 3 × 5 = 15, माइनस 4 × 64 माइनस 12 ये आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 15 माइनस 76 अपॉन 12 ये आ गया है, लेकिन माइनस में आ रहा है तो लगता है कहीं मिस्टेक हो गई, माइनस में नहीं आना चाहिए था ये, हाँ यहाँ मिस्टेक हुई है, ये प्लस का साइन था, ये प्लस का साइन आएगा, यहाँ ही प्लस का आएगा, यहाँ प्लस आएगा, तो ये हो जाएगा 15 + 64 - 12 ये हो जाएगा 79 - 12 अपॉन 12
67 आ जाएगा, 67/12 ये आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में चूज द करेक्ट ऑफ सन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें जैसे कौन सा करेक्ट आंसर है बस। चलिए करते हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन, ये वैल्यू रख दी हमने, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। 2 10/30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1+10²/30 यानी कि 1/√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1+1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर 3, तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 3+3 = 3+1 4/3। पहले को ऐसे लिखा 2/√3, दूसरे को हमने रेसिप्रोकल कर दिया 3/4 आ गया, 2 2 = 4 तो कितना आ गया 3/√3 आ गया। अब हमें यहाँ पे देखना है रूट थ्री डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, तो रूट थ्री से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 3√3 / √3 = 3 3 2 = 6 यानी कि 3 2 = 6 तो √3/2 आ गया। अब ऑप्शन देखेंगे कि √3/2 की इसमें हमें वैल्यू दी है साइन कॉस टेन में, तो √3/2 की वैल्यू किसकी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री। सेकेंड बार देखते हैं, 1 - 10²/45 / 1+10²/45, इसको सॉल्व करते हैं। 10^45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 - 1 हो गया अपॉन 1+1 हो गया, ये तो 0/2 हो गया, सीधे फीधे क्या आ गया, ये 0 आ गया। अब इसमें वैल्यू तो दे रखी है हमें ऑप्शन में 0 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड में है साइन 2a इज इक्वल टू कितना जाएगा 2sin a। अब इसमें हमें देखा है साइन 2a इज इक्वल टू साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम इन अलग अलग वैल्यू और देखेंगे LHS RHS किस पे इक्वल आ रहा है। तो पहले 0 डिग्री पुट करते हैं, क्या लिखेंगे, पुट a इज इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ पुट किया साइन 2 × 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 sin 0 डिग्री, कितना हो गया साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 × sin 0 डिग्री। साइन 0 कितना होता है, 0, आपको याद रखना पड़ेगा साइन 0 0 होता है, यहाँ भी साइन 0 0, तो 0 = 0 आ गया। इसका मतलब हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है 0 डिग्री ये सही है, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें जो है ए वाला ऑप्शन सही हो गया। फोर्थ पार्ट में है 2 10/30 degree अपॉन 1 - 10²/30 degree, अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2 10/30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 अपॉन 1 - 1/√3 का स्क्वायर, तो जगह 2/√3 अपॉन 1 - 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर 3, जगह 2/√3 अपॉन 3 * 3 - 1 2/3 आ जाएगा। तो ऊपर वाले को ऐसे ही रखा, नीचे वाले को हमने कर दिया रेसिप्रोकल, तो कितना आ जाएगा 3 2 = 2 2 कैंसिल हो गया 3/√3 आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करेंगे √3 से, तो कितना आ जाएगा 3√3/3 3 3 से कैंसिल हो गया क्या आ गया √3। अब ऑप्शन में देखेंगे, हमें वैल्यू साइन कॉस टेन में रखी है, तो 10/60 इक्वल टू क्या होता है √3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10/60 degree। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इफ 10a + b = √3 10a - b = 1.√3 फाइंड a एंड b। यहाँ पे देखते हैं, अब 10a + b = √3 रखा है, अब हम इसको भी 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी 10 से 10 रिमूव होगा, तो 10a + b = √3 जो वैल्यू होती है 10/60 की वैल्यू √3 होती है, तो इसको हम 10/60 रख देंगे, यहाँ पर 10 से 10 ये रिमूव हो जाएगा, काटते तो नहीं है, सीधे सीधे हट जाता है ये, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a + b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री, ये बन गई पहली इक्वेशन। और यहाँ से क्या आ जाएगा 10a - b = 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 10/30 degree की, तो यहाँ से a - b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री,
इक्वेशन नंबर टू हो गया। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग वन प्लस टू, ऐड कर देंगे ए प्लस बी इज्कवल टू 60 हो जाएगा और ए माइनस बी इज्कवल टू 30 हो जाएगा। ऐड करेंगे कैंसिल हो गया, टू ए इज्कवल टू कितना हो गया 90, तो ए इज्कवल टू कितना हो गया 90 अपॉन टू कितना हो गया 45, तो ए की वैल्यू 45 हो गया। अब ए की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन वन, इसे पुट कर देते हैं तो यहाँ से अगर ए प्लस बी की वैल्यू 45 इसको टू 60, तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 60 माइनस 45, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री, ये आ गया सॉरी बी है, गड़बड़ कर दिया हमने, ए की वैल्यू 45 थी ना, तो ए की वैल्यू 45 प्लस बी इसको टू 60 डिग्री, तो बी कितना हो जाएगा 60 माइनस 45, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री, ये आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू एंड फॉल्स बताना है। फर्स्ट है साइन ए प्लस बी इसको टू साइन ए प्लस साइन बी होता है, ऐसा नहीं होता है, चाहे तो आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। ए की वैल्यू 30 पुट कर दिए, बी की वैल्यू 60 पुट कर दीजिए, उसके बाद देखिए एल एच एस आर एच एस इक्वल आता है नहीं आता, नहीं आएगा ये, क्योंकि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, तो फिलहाल जान लीजिए कि ऐसा ट्रू नहीं होता है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस, थीटा इंक्रीजेस मतलब क्या हुआ कि थीटा बढ़ाएंगे तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। टेबल को देखेंगे, यहाँ पर थीटा बढ़ा रहे हैं 0, 30, 45, 60, 90 थीटा बढ़ा रहे हैं, तो क्या साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, 0 से 1/2 हो गई, 1/√2 हो गई, √3/2 हो गई और लास्ट में 1 हो गई, बढ़ रही है क्योंकि 0 से बड़ी ये होती है, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है, लास्ट में 1 सबसे बड़ी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो साइन थीटा भी बढ़ेगा। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस ऑन थीटा इंक्रीजेस, कॉस थीटा की वैल्यू क्या इफेक्ट करता है, देखिए कॉस थीटा उल्टा होता है, थीटा बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा डिक्रीज होगा, पहले 1 था उससे छोटा √3/2 हो गया, उससे छोटा ये हो गया, उससे छोटा हो गया, लास्ट में 0 हो गया, इसकी वैल्यू का जस्ट उल्टा। देखिए यहाँ से 0√3 ये था या 1 लास्ट में 1, यहाँ ये 1 आ गया, फिर √3/2 आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर लास्ट में 0 हो गया, तो थीटा डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये फॉल्स हो गया। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, क्या साइन थीटा कॉस थीटा सभी वैल्यू के लिए होता है इक्वल, नहीं होता है, साइन थीटा जो है कॉस थीटा के सिर्फ 60 के लिए होता है, साइन 30 कॉस 60 सिर्फ इसके लिए होता है बस, बाकी किसी के लिए नहीं होता है, तो ये फॉल्स हो गया। कॉट इज नॉट डिफाइंड, ए जीरो, ए की वैल्यू 0 रख लेंगे, यानी कॉट 0, कॉट 0 की वैल्यू क्या आती है, देखिए कॉट 0, कॉट 0 की वैल्यू जो है नॉट डिफाइंड है, इसका मतलब सही है, ये ट्रू हो जाएगा। ये आपकी 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और 8.3 एक्सरसाइज आपके सिलेबस से हट गई है, तो उसको हम नहीं करेंगे, और उसके बाद हम 8.4 एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।